सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। राशन अनाज के गबन के आरोप में लगभग एक माह से निलंबन झेल रही जनवितरण दुकानदार लालू कोरम मामले पर गढ़वा जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए गत दिनों कितार प्रखंड की परसोटी गांव में पहुंचकर डीलर पर लगाए गए तमाम आरोपों की स्वयं जांच पड़ताल की। जांच में पाया गया कि 15 लाभुकों को छोड़कर शेष सभी को राशन नियमित रूप से दिया गया था, जिसके बाद नरमी बरतते हुए डीएसओ ने पीडीएस डीलर लालू कुंवर को अनियमितता से बाजाने की अंतिम चेतावनी देते हुए तत्काल निलंबन से मुक्त कर दिया। मौके पर ही डीएसओ ने कहा कि दोबारा अनियमितता पकड़ी गई तो अनुज्ञप्ति रद्द होना निश्चित है। जानकारी दे दे कि डीलर लालू कुंवर पर अप्रैल मई माह में ही राशन का अनाज गबन करने का आरोप लगा था और समुचित कार्रवाई की मांग भी की गई थी, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई कर डीलर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। तब से डीलर आपूर्ति कार्यालय का चक्कर लगातार लगा रही थी। आज अपनी गलती से सबक लेते हुए निलंबन मुक्त होने पर डीलर लालू काफी खुश थी। मौके पर पसौड़ी पंचायत मुखिया अनिल पासवान, बीडीसी सदस्य लक्ष्मी रजवार, नागेंद्र ठाकुर और अखिलेश पासवान उपस्थित थे। पीडीएस लालू कुमार परसोटी की है, उन्हीं की जांच के लिए हम लोग यहाँ आए थे। शिकायत प्राप्त हुई थी कि दो माह का राशन पिछले साल उनके द्वारा वितरित नहीं किया गया है, वो निलंबित हो गए थे। अब आगे रद्द करने की कार्रवाई हो या ना हो, इसी मामले को लेकर सभी लाभुकों से हम लोगों ने बयान लिया है कि कितने ऐसे बेनिफिशरी हैं जिनको उन्होंने वितरण नहीं किया। 10 से 12 लाभुक आए हैं जिनका वितरण नहीं हुआ, बाकी सभी लोगों का वितरण हुआ है। ये रिपोर्ट बनाकर हम लोग उपायुक्त महोदय को देंगे, उपायुक्त महोदय जैसा भी होगा वो निर्णय लेंगे।